लाइट्स को देखा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सॉरी आई एम लेट टुडे। सो लास्ट टाइम वी वर स्टडिंग अबाउट रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन एक डायग्राम बनाया था अपन ने, याद है लास्ट में जस्ट बिफोर अटेंडेंस। कैन वी रिवाइज दैट? सो कैन यू रिमेंबर न्यूमोटैक्सिक सेंटर, एपिन्यूएस्टिक सेंटर, देन देयर इज इंस्पिरेटरी न्यूरॉन, एक्सपिरेटरी न्यूरॉन। कहाँ थे ये इंस्पिरेटरी न्यूरॉन और एक्सपिरेटरी न्यूरॉन? कौन से एरिया में पाए जाते हैं ये? मेडुला, मेडुला के कौन से ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस में पाए जाते हैं? उनके दो नाम है डीआरजी और बीआरजी, डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियम एंड वेंट्रल ग्रुप ऑफ। तो डीआरजी बीआरजी, उसके अंदर हमारे स्विचेस होते हैं बेसिकली, इंस्पिरेटरी स्विच ऑन एंड एक्सपिरेटरी स्विच ऑन। सो इनको हम आई न्यूरॉन एंड इनको हम ई न्यूरॉन बोलते हैं। अब ये ऊपर से यहाँ से इनके अंदर जो भी स्टिमुलेशन आता है उसके हिसाब से ये रेस्पिरेटरी मोटर न्यूरॉन्स के अंदर अपने सिग्नल भेजते हैं, वो मसल्स को, रेस्पिरेटरी मसल्स को कॉन्ट्रेक्शन करवाते हैं, उससे इंस्पिरेशन होता है, देन एक्सपिरेशन। तो एक्सपिरेशन नॉर्मली तो नहीं होता है टाइडल वॉल्यूम पे, बट ड्यूरिंग द एक्सरसाइज एंड ऑल दिस कंडीशन एक्सपिरेटरी न्यूरॉन्स विल स्टिमुलेट एक्सपिरेटरी मसल्स। कौन सी थी एक्सपिरेटरी मसल्स, याद है किसी को? अबडोमिनल मसल्स, ठीक है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। आई और ई दोनों अपोजिट में एक साथ आते हैं, साथ में आई आई नहीं आएगा कभी, ये याद रखना। जब आप रेस्पिरेटरी मसल की बात कर रहे हो तो आई आई के साथ नहीं आएगा, आई ई के साथ आएगा, मतलब कि इंटरनल इंटरकॉस्टल जो मसल है वो एक्सपिरेशन के लिए है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल जो मसल है वो इंस्पिरेशन के लिए। सो जब एपिन्यूएस्टिक सेंटर की अपन बात करते हैं तो बेसिकली इसका काम क्या है, आई न्यूरोन को स्टिमुलेट करना और इंस्पिरेशन को कराना। सो व्हेन इट इज ऑन इट विल इंक्रीज द इंस्पिरेटरी ड्राइव। इंस्पिरेटरी ड्राइव इंक्रीज होने से क्या होगा, कंटिन्यूअस इंस्पिरेशन चलेगा, कंटिन्यूअस इंस्पिरेशन होने से डेप्थ ऑफ इंस्पिरेशन विल इंक्रीज, डेप्थ ऑफ इंस्पिरेशन विल इंक्रीज। अगर आपको रेट ऑफ इंस्पिरेशन बढ़ाना है तो इसको बार बार कट करना पड़ेगा, तो उस टाइम पे न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है वो इसको कंट्रोल करता है। तो न्यूमोटैक्सिक, अगर अपन देखें यहाँ पे, तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर का एपिन्यूएस्टिक सेंटर पे नेगेटिव कंट्रोल है, मतलब कि वो नेगेटिव फीडबैक देता है, उसको रुकने के लिए बोलता है, ऑफ करता है इस चीज को, ठीक है। और दूसरी चीज कौन सी ऑफ करती है, पल्मोनरी स्ट्रेस रिफ्लेक्स, यहाँ पे वेगस नर्व के थ्रू एपिन्यूएस्टिक सेंटर को बताती है कि बहुत ज्यादा लंग्स एक्सपेंड हो रहे हैं, अभी इससे ज्यादा एक्सपेंड नहीं होना चाहिए, तो इंस्पिरेशन को कट ऑफ करो। सो दैट्स व्हाई इट इज गोइंग हियर नेगेटिव मार्क। सो एपिन्यूएस्टिक सेंटर का काम है हमारे प्रोलोंगेशन ऑफ इंस्पिरेशन लीडिंग टू इंक्रीज इन टाइडल वॉल्यूम। और अगर ये प्रोलॉन्ग इंस्पिरेटरी एफर्ट रहता है तो इसको हम एपिन्यूएस्टिक ब्रीदिंग और एपिन्यूएसिस बोलते हैं, जो कि अपन ने देखा था पहले जब अपन ने डायग्राम देखा था ट्रांसफेक्शन वाला। अगर आप सेक्शन बी पे काट देते हो तो आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर चला गया, साथ में वेगल नर्व को भी आप हटा देते हो तो ये एपिन्यूएसिस में एंटर कर जाएगा, क्योंकि वेगस पहले मेंटेन कर रही थी यहाँ पे, क्योंकि इंटैक्ट है यहाँ पे, बट यहाँ पे वो कट है। आ जाओ तुम मुझसे भी लेट हो, इधर बैठ जाओ, क्या हुआ पीछे क्यों जा रही है, यहाँ आ जाओ। बेटा उसको बंद कर देना ढंग से, तो एपिनेस्टिक सेंटर अगर हमने देखा तो इनिबिटरी कंट्रोल किसका है उसके ऊपर, वेगल इनपुट का फ्रॉम लंग्स एंड न्यूमोटैक्सिक सेंटर। अब ये वेगल इनपुट कहां से आते हैं, स्ट्रेस रिफ्लेक्स से आते हैं,
कटिंग ऑफ वेगस नर्व अलॉन्ग विद द सेक्शन बिटवीन द न्यूमोसाइटिस सेंटर रिजल्ट इन एपिनेस्टिक ब्रीदिंग, जिसको हम मिड पॉन्टाइन भी बोलते हैं. मिड पॉन्टाइन सेंटर पे अगर कट करते हैं एंड ओनली बायलेटरल वेगोटॉमी हैज दिस इफेक्ट. अगर सिर्फ हम न्यूमोटैक्सिक सेंटर को रखें और सिर्फ वेगस को हटा दें तो कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं मिलेगा. न्यूमोटैक्सिक सेंटर ये क्या है, लोकेटेड बायलेटरली इन अपर पार्ट ऑफ पॉन्स एंड पार्ट ऑफ न्यूक्लियस पैराब्रैंकियस का पार्ट है ये. इट इनहिबिट एपिनेस्टिक सेंटर एंड लिमिट द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेटरी वैन, मतलब ये रेट बढ़ाने में आपका साथ देगा. अगर आपको डेप्थ बढ़ानी है तो आप न्यूमोटैक्सिक सेंटर को कंट्रोल करके रखो, उसको ज्यादा स्टिमुलेट मत करो. अगर आपको रेट बढ़ानी है तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर को स्टिमुलेट करना पड़ेगा बार बार टू इंक्रीज द नंबर ऑफ ब्रेथ. अब इनपुट्स कौन कौन से हैं जो रेस्पिरेशन को मॉडिफाई करते हैं, तो रेस्पिरेशन टू सेटिस्फाई डिमांड ऑफ द बॉडी अंडर वेरियस कंडीशन. आप बैठे हुए हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप जो भी चीज है उसके हिसाब से बॉडी की डिमांड चेंज होती है, उसके हिसाब से हमें ऑक्सीजन इनटेक और एक्सपिरेशन करना पड़ता है. टू कॉप अप विद द O2 डिमांड, टू रिमूव द CO2 जो प्रोड्यूस होगी एंड टू रेगुलेट द H+ आयन कंसेंट्रेशन एंड टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर. विद एवरी ब्रेथ वी लूज सम अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी, क्योंकि हम लोग ने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि हमें हर बार जब एयर अंदर जाती है तो उसको वार्म करना पड़ता है और ह्यूमिडिफाई करना पड़ता है. तो जो एयर अगर हमारे अंदर से आ रही है, इवन इन हॉट एनवायरनमेंट, अगर आप हाथ लगाओगे अपने मुंह के आगे तो आपको गर्म फील होगी. तो हर बार कुछ अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम अवर बॉडी विल बी लॉस्ट थ्रू द रेस्पिरेशन. सम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एंड सम अमाउंट ऑफ हीट विल बी लॉस्ट विद द रेस्पिरेशन, इवन इन द कोल्ड एनवायरमेंट. अगर आप कोल्ड में भी हैं, आप आइस के अंदर भी हैं, आप हिमालय के ऊपर से ऊपर चोटी पे भी हो और अगर आप रेस्पिरेशन कर रहे हो तो आपका फ्लूड लॉस हो रहा है. चाहे आपको पसीने ना आ रहे हो, इतना टेम्परेचर कम है, बट जो आप ब्रेथ ले रहे हो ना उसमें आपका मॉइस्चर लॉस हो रहा है कंटिन्यूस एंड यू आर डिहाइड्रेटिंग इवन वेन यू आर नॉट नोइंग इट. तो बिकॉज की जो एयर आ रही है आपके पास में अंदर वो ह्यूमिडिफाइड नहीं है, उसको ह्यूमिडिफाई करना पड़ेगा और उस ह्यूमिडिफिकेशन में सम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर और सम अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी इज लॉस्ट व्हेन यू एक्सहेल. रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, देन अगेन इनपुट्स फ्रॉम कहाँ से और आ सकते हैं, हायर सेंटर. इसके अलावा एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज है, हायर सेंटर तो हम जानते हैं, पेरिफेरल रिसेप्टर. बॉडी के अंदर और भी कई सारे रिसेप्टर हैं, जैसे जॉइंट के अंदर रिसेप्टर है. जब आप एक्सरसाइज करना शुरू करते हो तो जॉइंट्स के थ्रू लंग्स को पहले से पता चल जाता है कि अभी डिमांड ऑफ ऑक्सीजन विल इंक्रीज, तो द रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट प्रिपेयरिंग अकॉर्डिंगली. तो वहां पे हम लोग इन रिसेप्टर्स को बोलते हैं प्रोप्रियोसेप्टर्स. जॉइंट के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं जो हमें ये याद दिलाते हैं या ये बताते हैं कि हमारी एनवायरमेंट में पोजिशन क्या है, these receptors are known as proprioceptors. क्या है proprioceptors? Position of joint in the environment. This is the function of proprioceptors. तो proprioceptor को आप जब यूज करोगे, चलना यूज करोगे, थोड़ी भी स्पीड इंक्रीज होगी, आपके joints के थ्रू सिग्नल लंग्स में जाने शुरू हो जाएंगे and they will start preparing it for the better respiration and better amount of intake of oxygen, ताकि आप उस डिमांड को पूरा कर सकें. तो पेरिफेरल रिसेप्टर, देन इसके अलावा भी बहुत सारे रिसेप्टर हैं, वो भी अपन देखेंगे अभी. कीमो रिसेप्टर, ये जो अपन ने बात करी थी, कीमो रिसेप्टर सेंट्रली प्रेजेंट होते हैं एंड दे सेंस द सेंट्रली है, पेरिफेरली भी है, तो दे सेंस आइदर द ऑक्सीजन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और अमाउंट ऑफ H+ आयन इन द ब्लड. इन तीनों को, बिकॉज दी थ्री आर केमिकल, तो इन तीनों को जो सेंस करता है वो कीमो रिसेप्टर होता है. तो अभी तक अपन जो पढ़ रहे थे वो न्यूरल कंट्रोल पढ़ रहे थे. न्यूरल कंट्रोल में आपका मेडुलरी DRG वाला सारा जो पार्ट है वो आ गया, साथ में पेरिफेरल रिसेप्टर्स भी आ जाएंगे, हायर सेंटर्स भी आ जाएंगे एंड देन द डिफरेंट पार्ट इज कीमो रिसेप्टर जो कि केमिकल कंट्रोल का पार्ट है. हायर सेंटर्स में अपन वॉलंटरी कंट्रोल जो अपने को मिलता है वो हायर सेंटर के थ्रू मिलता है. जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी,
तो मेरी रेस्पिरेशन मेरे बोलने के साथ में चेंज होती है। सिंगिंग करना, बोलना, खाना खाते वक्त रेस्पिरेशन को मेंटेन करना, देन ब्रेथ होल्डिंग करना, स्विमिंग, ब्रेथ होल्डिंग एंड वॉलंटरी हाइपरवेंटिलेशन, दीज आर द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे नियो कॉर्टेक्स से निकलता हुआ, सेंट करता हुआ, इट इनर्वेट्स स्पाइनल न्यूरॉन्स ऑफ सप्लाइंग द मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो इसका मेडुला में कोई जाने का मतलब ही नहीं है, ये मेडुला को बाईस पास करता हुआ डायरेक्टली स्पाइनल मोटर न्यूरॉन्स पे जाता है और उनको कंट्रोल करता है। बट वही है कि अप टू सर्टेन लेवल वॉलंटरी कंट्रोल कैन स्टे। अगर आप जैसे वॉलंटरी कंट्रोल बहुत ज्यादा चलाना चाहेंगे और आपके बॉडी के अंदर अगर CO2 की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, H+ की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, तो जो आपका केमिकल कंट्रोल है वो ओवरटेक कर लेगा उसको एंड द रेस्पिरेशन विल स्टार्ट। लिम्बिक कंट्रोल, लिम्बिक हमारा इज रिलेटेड टू इमोशन, लिम्बिक एरिया ऑफ ब्रेन इज रिलेटेड टू इमोशन, तो वहां पे जो भी कोई इमोशन जनरेट होता है उसके हिसाब से आपका रेस्पिरेशन चेंज हो सकता है। तो पेन, इमोशनल कंडीशन लाइक फियर, रेज, एक्साइटमेंट, तो यहाँ पे चेंज इन रेट एंड डेप्थ ऑफ द ब्रीदिंग, ये आपने खुद नहीं ऑब्जर्व किया होगा कि अगर अपन कहीं रेज में है या एक्साइटेड है तो ऑटोमेटिकली डेप्थ एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन चेंज हो जाती है। ये रेस्पिरेटरी सेंटर के थ्रू ही करता है, इसका कोई डायरेक्ट पाथवे नहीं है। अब पेरिफेरल रिसेप्टर्स पे आ जाते हैं। तो अपन ने एक देखा प्रोप्रियोसेप्टर, उसके अलावा मैंने आपको बोला और भी रिसेप्टर्स हैं, जैसे कि फर्स्ट रिस्पॉन्स या रिफ्लेक्स जिसको हम बोलते हैं हैरिंग ब्रूअर इन्फ्लेक्स इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स। अब इसी का एक और होता है, अगर लिख रहे हो तो ये वैसे बुक में सब कुछ दिया हुआ है, अगर लिखना है तो हैरिंग ब्रूअर इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन रिफ्लेक्स, इन्फ्लेशन लगा के स्लैश लगा के डिफ्लेशन रिफ्लेक्स। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, तो दोनों का ऑब्वियसली बॉडी के अंदर फंक्शन है और दोनों ही यूजफुल है, प्रोटेक्टिव है और लंग्स के लिए। अब यूरिन जो इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स है, बेसिकली इट इज अ स्ट्रेच रिफ्लेक्स कि ओवर एक्सपेंशन ऑफ लंग्स के टिश्यूज का ना हो ताकि उनको डैमेज ना हो। अगर बहुत ज्यादा एक्सपेंशन होता है लंग के टिश्यूज का तो देर विल बी अ चांस ऑफ डिस्ट्रक्शन, सो दैट विल लीड टू या सो के नहीं आते क्या घर पे, कोई हॉस्टल में हो या घर पे रहते हो? अरे सॉरी छोड़ो, मैं जो क्वेश्चन पूछा है वो बताओ, सोने नहीं देते? ठीक, क्या लिया? पैरासिटामोल से तो नींद नहीं आती बेटा, दोनों भी नहीं, दोनों से भी नहीं, ये तो चार्ज कर देते हैं आपके, नींद उड़ जाती है, तुम भी सो रही हो तब से, है? इससे पूछ लो तुम, तो तुमको देख के ऐसे लग रहा है सो रही है, सो रही, क्या पढ़ा है? जब उठो क्या आगे तो आगे बढ़ जाते, कमी है यहाँ पे बढ़ी, सो हियरिंग हेयरिंग बैरियर रिफ्लेक्स जो है ये बेसिकली प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है जो कि ओवर स्ट्रेचिंग को रोकते हैं। तो ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट इन ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियल्स ड्यू टू ओवर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स एफरेंट नर्व, जो कि हमारी वेगस नर्व है, जो हमने पहले भी देखा है, एक बार फिर से दिखा देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये देखो यहाँ से ये जो वेगस नर्व है कहाँ जा रही है, अपने और इन्फ्लुएंस क्या है, नेगेटिव, यहाँ क्या लिखा है, पल्मोनरी स्ट्रेस रिसेप्टर। ठीक है, तो
afferent nerve in the vagus nerve inhibits the pontomedullary respiratory center, which is known as epineustic center, and cuts the respiration. But ये does not regulate normal tidal ventilation. Tidal ventilation से इसका कोई लेना देना नहीं. इसका लेना देना है जब आप बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेच करते हो लंग्स को, तभी ये प्ले में आते हैं. अब इसी का एक रिवर्स रिफ्लेक्स होता है विच इज डिफ्लेशन रिफ्लेक्स. अब लंग्स बहुत ज्यादा डिफ्लेट अगर हो रहे हैं तो बहुत ज्यादा डिफ्लेट होने के कारण से दे कैन कोलैप्स. तो एट दैट टाइम वी नीड कि अभी रेस्पिरेशन वापस से चालू हो, इंस्पिरेशन चालू हो. तो उस वक्त के लिए हम चाहते हैं कि भाई एपिनेस्टिक सेंटर स्टिमुलेट हो और रेस्पिरेशन को स्टार्ट करें. तो डिफ्लेशन रिफ्लेक्स, दैट इज नोन एज डिफ्लेशन रिफ्लेक्स. ये डिफ्लेट पूरे नहीं होने चाहिए लंग्स. अगर पूरे डिफ्लेट होते हैं तो विच इज अगेन ए प्रॉब्लम. तो प्रोड्यूसेस ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ इरिटेंट रिसेप्टर लोकेटेड इन ब्रैकियल एपिथेलियम ड्यूरिंग डिफ्लेशन ऑफ लंग्स प्रिवेंट एल्वोलर कोलैप्स ड्यूरिंग डिफ्लेशन एफरेंट नर्व इज अगेन वेगस. सो हैविंग ब्यूरर इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स एंड डिफ्लेशन रिफ्लेक्स दोनों रिफ्लेक्स है और दोनों ही एक्सट्रीम कंडीशन में काम करते हैं. ज्यादा भी नहीं लंग्स फूल जाए ताकि फट जाए लंग, और डिफ्लेट होके बंद ना हो जाए. बंद हो जाएंगे तो फिर बहुत जोर लगा के वापस से भाग खोलना पड़ेगा. एक चीज यहाँ पे है कि ये जो रिफ्लेक्स है वो ह्यूमंस में बहुत वीक होता है बिकॉज हमारे पास स्ट्रॉन्ग रिब केज है. जो हमारी हड्डियां हैं वो वैसे ही लंग को प्रोटेक्ट करके रखती है, उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेच होने नहीं देंगे क्योंकि एक लिमिटेड स्पेस ही है हमारे लंग्स के अंदर. बट इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन रैबिट्स. Then another reflex is J receptor reflex, which is very important. जैसे important वो भी है जब आपके अगर आ रहा है control of respiration आपको लिखना है, पर J receptor अलग से एक question आ जाता है individual in the short notes. और इसकी importance ये है कि ये जो reflex है ये हमारे Indian scientist ने discover किया हुआ है, Dr. A.S. Fenton, and he has done it in 1954. तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के डॉक्टर हैं ये जिन्होंने ये डिस्कवर किया था. और इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हो लंग्स को या फिर आप बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो तो क्या होता है कि आपके जो लंग्स हैं वो ऑटोमेटिकली एक लेवल के बाद में मतलब काम करने बंद कर देते हैं और आपको रोक देंगे. मतलब कि आपके अंदर ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस होंगे कि जे रिसेप्टर लगे होते हैं. एक्चुअली इन्होंने एक रिसेप्टर की खोज करी है जिसका नाम है जे रिसेप्टर. वो जे रिसेप्टर स्ट्रेस ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम को इवेलुएट करता है बेसिकली बॉडी के अंदर. और जैसे ही वो स्ट्रेस बहुत इंक्रीज होता है, मतलब कि अपने को बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे हैं और ऑक्सीजन डेफिशिएंसी है जिसके कारण से अगर अपन और भी ऊपर जाते रहे तो अल्टीमेटली इट विल कॉज सम प्रॉब्लम और वेरी हाई इडीमा. इट कैन जनरेट इडीमा इन द लंग्स. तो ऐसी कंडीशन में जैसे ही कोई इस तरह का हल्का फुल्का इडीमा या लंग्स के अंदर वाटर आने लगता है तो दीज जे रिसेप्टर्स गेट स्टिमुलेटेड एंड वो क्या करते हैं, एक जनरलाइज रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं. उनका जो रिस्पॉन्स है, ये चीज याद रखना, उनका जो रिस्पॉन्स है वो लंग के अंदर लिमिटेड नहीं है. इट इज जनरलाइज रिफ्लेक्स विच विल बी अफेक्टिंग योर स्केलेटल मसल एंड इट विल प्रोड्यूस ए रिस्पॉन्स विच विल बी लाइक ए फटीग. पूरी मसल्स में आपको थकान महसूस होने लगेगी, आपका चलने का मन नहीं करेगा और आप वहीं के वहीं रुक जाओगे. नाउ व्हेन यू आर असेंडिंग टू द हाई एल्टीट्यूड तो आपको बोलते हैं कि आप थोड़ा रेस्ट लेके जाओ. हर हाइट, हर एक एल्टीट्यूड के बाद में एक मतलब वो डिफाइंड होता है कि इतने मीटर अगर आपने चढ़ लिया तो आप एक दिन का रात का रेस्ट वहां पे लो, फिर नेक्स्ट डे से आप स्टार्ट करो. या फिर 24-48 आवर्स के लिए आपको एक हाइट पे ले जाके एक्लेमेटाइजेशन का मौका दिया जाता है. अगर एक्लेमेटाइज आप नहीं कर रहे हो, डायरेक्टली जा रहे हो, तो यू विल डेवलप pulmonary edema which will be hazardous for the health. तो ये उस चीज को रोकने के लिए इस तरह का एक response है जो कि J receptor induce करते हैं in body. तो ये receptor है कैसा, consists of unmyelinated vagal afferent nerve endings. Unmyelinated nerve endings है vagus की जो कि located है in the interstitial compartment of the lungs. Interstitial जो space है दो लंग्स के लेयर्स के बीच में, वहां पे ये लोकेटेड है. सेंसिटिव टू इंक्रीज इन कंटेंट ऑफ इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट बिटवीन द कैपिलरी एंड एल्वोलर.
अब क्या होगा, जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हो तो आपके जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो डिक्रीज होगा, ठीक है, बट अंदर जो प्रेशर है आर्टेरियल प्रेशर वो इंक्रीज होने लग जाता है। आर्टेरियल प्रेशर इंक्रीज होने के कारण से ये जो कैपिलरी बेड है यहाँ से फिल्ट्रेशन इंक्रीज होती है, और फिल्ट्रेशन इंक्रीज होने के कारण से जो फ्लूड है दैट विल स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग इन इंटरस्टीशियल स्पेस विच विल अल्टीमेटली लीड टू द पल्मोनरी डिजीज। तो उसी को ये सेंस करता है और उसको रोकने की कोशिश करता है बाय डिक्रीजिंग द एल्टीट्यूड। अगर एल्टीट्यूड उसी एल्टीट्यूड पे रुक गए तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और ज्यादा डिक्रीज नहीं होगा एंड योर बॉडी इज नॉट, उसको प्रेशर इंक्रीज नहीं करना पड़ेगा ज्यादा आपके ऑक्सीजन की डिमांड पूरी करने के लिए। तो कैपिलरी बेड पे फिल्ट्रेशन कम हो जाएगा, धीरे धीरे जो फिल्टर हुआ भी है वो भी अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा और लंग्स जो है वापस से इंटरस्टीशियल स्पेस में क्लियर हो जाएंगे एंड योर बॉडी विल ऑल्सो एक्यूमेंटाइज इन द एल्टीट्यूड, देन यू कैन मूव अहेड। तो ये एक्यूमुलेट कैसे होता है, पल्मोनरी कंजेशन में, पल्मोनरी इडीमा में, निमोनिया में एंड एम्बोलिज्म इन पल्मोनरी कैपिलरी, इन सारी कंडीशन में ये हमारा जे रिसेप्टर जो है वो स्टिमुलेट हो सकता है एंड केमिकल लाइक फिनाइल डाइगोनाइड, कैप्सिसिन, एलोथेन एंड रेडिक ये सब इसके स्टिमुलेंट हैं। इसके कारण से होगा क्या, एपनिया होगा, मतलब सांस एकदम एक टाइम के लिए ऐसा लगेगा कि सांस रुक गई है। देन हाइपर वेंटिलेशन, ब्रैडीगार्डिया, वीकनेस ऑफ स्केलेटल मसल, तो आपको जैसे एकदम ताकत नहीं रही बॉडी में, इस तरह का फील होगा। सो यू विल नॉट असेंड एंड स्टॉप देयर, या भी यहीं बैठ जाना। अदर रिफ्लेक्सेस जैसे कि हमारे, जैसे हमने अभी देखा प्रोप्रियोसेप्शन का रिफ्लेक्स होता है, देन हमने देखा कि हेरेंसब्रुनर रिफ्लेक्स देख लिया दोनों हमने, फिर जे रिसेप्टर रिफ्लेक्स हो गया एंड द अदर रिफ्लेक्सेस आर कफ रिफ्लेक्स, स्नीजिंग एंड डिक्लूटेशन, ये मैंने आपको कल बताया था। अगर आप कफ की बात करें तो ओपन ग्लोटिस, फोर्सफुल एक्सपिरेशन आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन विद द ओपन एपिग्लॉटिस, ग्लोटिस ओपन होना चाहिए। देन स्नीजिंग में ग्लोटिस शुड बी क्लोज्ड, फोर्सफुल एक्सपिरेशन आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन विद ग्लोटिस क्लोज, तो जो सारी हवा है वो नाक से निकलेगी, ताकि अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक या नेजल एरिया में कोई इरिटेंट अटका हुआ है तो वो फोर्सफुली बाहर आ जाएगा। डिग्लूटेशन रिफ्लेक्स में क्या होता है हमारा, जब हमें स्वेलो करना है कुछ तो हमारा फूड पाइप में जाना चाहिए, हमारे ट्रेकिया में नहीं जाना चाहिए, तो ट्रेकिया का जो पैसेज है वो बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली टू स्वेलो द फूड, दैट इज नोन एज डीग्लूटेशन रिफ्लेक्स। तो उस वक्त थोड़ी देर के लिए आपको एपनिया प्रोड्यूस होगा, मतलब रेस्पिरेशन विल स्टॉप बिकॉज द पैसेज ऑफ ट्रेकिया इज ब्लॉक्ड, तो डीग्लूट दैट इज डीग्लूटेशन रिफ्लेक्स। नाउ दिस इज द प्रोप्रियोसेप्टर्स, the located muscle, joint, tendons and ligaments strongly stimulated during exercise increase rate and depth of the breathing by stimulating the respiratory neurons. अब एक और रिसेप्टर्स होते हैं जो कि मसल स्पिंडल्स में रहते हैं। मसल स्पिंडल हो चुका है आपको, आई थिंक आपका मसल स्पिंडल अभी हुआ ही नहीं होगा, तो पार्ट ऑफ सीएनएस। तो मसल स्पिंडल क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि उसके बिना ये समझना मुश्किल है। अपनी कोई भी मसल होती है उसके जो एंड्स होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, बीच बीच का जो पार्ट होता है विच इज रिलेटेड टू द मसल मास जो कि कॉन्ट्रेक्टाइल है, बट कॉन्ट्रेक्टाइल मास के बीच में, मतलब कि अगर आप मसल को खोलो पूरा तो उसके बीच का जो पार्ट है अंदर का पार्ट वो सेंसरी पार्ट है उसका, और उसके जो एंड्स होते हैं उनके ऊपर भी टेंडन्स रहते हैं, गॉल्गी टेंडन्स, ठीक है। तो रिसेप्टर्स होते हैं दोनों साइड में, अंदर भी मसल के, मसल का पूरा जो बल्क है, ये मसल का बल्क है किसी भी बाइसेप का ट्राइसेप का, तो उसके अंदर एक सेंसरी पार्ट रहेगा। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उसको पता चलता है, जब मसल स्ट्रेच होती है तो भी उसको पता चलता है, और जो ये एंड्स होते हैं टेंडन वाले
इनके ऊपर भी स्ट्रेच आता है जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है या फिर रिलैक्स होती है, तो इनको भी पता चलता है, तो वहां से ये सिग्नल भेजते हैं टू द सीएनएस, दैट्स व्हाई दिस पार्ट इज इंक्लूडेड इन सीएनएस। तो वो रेगुलेट करने के लिए बॉडी का पॉस्चर कैसे रेगुलेट होता है हमारा, हमारे बॉडी का पॉस्चर, हमारी मसल का जो टोन है, कौन सी मसल में कितना खिंचाव रखना है किस टाइम पे। अभी आप बैठे हो, मैं खड़ा हूँ, तो मेरी जो बैक की मसल है, मेरी जो आगे की मसल है, इसमें कितना कॉन्ट्रेक्शन रखना है, विच इज नोन एज टोन, टोन ऑफ द मसल। एवरी मसल स्टेज इन अ स्टेट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन ऑल द टाइम। पर होता क्या है कि मसल के अंदर कुछ फाइबर कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कुछ रिलैक्स है, फिर वो रिलैक्स वाले फाइबर कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बाकी रिलैक्स हो जाएंगे, इस तरह से काम करते रहते हैं। तो वो जो कॉन्ट्रैक्टेड है वो एक टोन को मेंटेन करके रखते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी पोस्चर, एंड दैट इज एक्चुअली इन्फॉर्म बाय द अपने मसल स्पिंडल। तो ये मसल स्पिंडल है वो इंटरकॉस्टल मसल्स के अंदर भी है, तो वो उसको फीडबैक देता है और इसको रेस्पिरेटरी सेंटर को, एंड बाय कंट्रोलिंग द मसल लेंथ दे मेंटेन द टाइडल वेंटिलेशन। तो वहां पे बाकी रेस्ट ऑफ बॉडी में दे आर मेंटेनिंग द पोस्चर और बॉडी की जो भी पोजीशन है उसको में करते हैं, यहाँ पे ये टाइडल वॉल्यूम को मेंटेन कर रहे हैं, वेंटिलेशन को मेंटेन कर रहे हैं, स्पेशली व्हेन द पल्मोनरी कंप्लायंस इज डिक्रीज रेस्ट्रिक्टिव। अब कब होगी पल्मोनरी कंप्लायंस डिक्रीज? रेस्पिरेटरी लंग डिजीज। कंप्लायंस क्या था, क्या था कंप्लायंस? यस, प्रेशर एंड वॉल्यूम का रिलेशन, बट क्या रिलेशन है? आपको मैं कोई चीज दू, जैसे कि मैं अभी आपको ज्ञान दे रहा हूं रेस्पिरेटरी में, ये आपके ऊपर है, ये वाला आदमी यहाँ पे बीच में बैठने वाला आदमी, वो पीछे बैठने वाली लड़की या उधर लड़की, तो हर का रिसेप्शन जो है वो अलग अलग है। 250 स्टूडेंट या 150, 100 जितने भी हो आप लोग, सबका अलग अलग रिसेप्शन है। कोई पूरी तरह से ले रहा है, कोई 50% ही ले रहा है, कोई सिर्फ 25%, 10%, 5% उतना ही रिसीव कर पा रहा है, जबकि मैं तो उतना ही दे रहा हूँ अमाउंट। मैं जितनी चीजें आपको बता रहा हूँ मेरे तो सेम ही बता रहा हूँ सबको, बट सबका रिसेप्शन अलग अलग है, तो दैट इज योर कंप्लायंस। अब भाई वो बोल रही इसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, उसने दवाई ले ली, उसको नींद आ रही है, उसको लग रहा है डोलो से नींद आती है, बेटा आधी दवाइयों में तो कैफीन होता है, कैसे नींद आएगी तुम्हें? गलत धारणा लग के तुम ऐसी धारणा रखोगे तो नींद और अच्छी आएगी तुम्हें। सो दिस इज नॉट एज कंप्लायंस। कंप्लायंस नॉर्मल लैंग्वेज में अपन इसको कंप्लायंस बोलते हैं, बट लंग्स के लेवल में अपन ने क्या कहा था कि भाई जितना प्रेशर चेंज हो रहा है उसके हिसाब से वॉल्यूम चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। जब मैंने इंस्पिरेटरी, जब मैंने टाइडल वॉल्यूम पे करनी है तो मैंने -1 प्रेशर तो जनरेट कर दिया अंदर इंस्पिरेशन के लिए, अब लंग्स के पास उतनी जगह है कि नहीं है कि वो उतनी एयर को रख सके। तो रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में क्या होगा, वो कंप्लायंस कम हो जाएगी क्योंकि आपके पास फैलने की जगह नहीं है। रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज का क्या मतलब है कि यू डोंट हैव स्पेस, द लंग्स आर नॉट स्ट्रेचेबल इतना, या तो उनका जो खुद के फाइबर है वो फाइब्रोसिस हो चुका है, उनमें इलास्टिसिटी नहीं है, या फिर जो लंग का जो बाहर का जो स्ट्रक्चर है जो चेस्ट कैविटी का, वो रेस्ट्रिक्टिव है, वो रोक रहा है, उसके अंदर डिफॉर्मिटी। ये मान लो कि तुमने देखा भी होगा कभी भी एक साइड का चेस्ट दबा हुआ होता है कुछ लोगों का, मोस्टली बचपन में धीरे धीरे ठीक हो जाता है, बहुत कॉमन डिफॉर्मिटी है। तो ये दबने से क्या हो रहा है कि एक साइड का कम हो रहा है ना कैपेसिटी। सो रेस्ट्रिक्टिव लंग डिसऑर्डर इंक्रीजेस द लोड ऑन रेस्पिरेटरी मसल्स, टाइडल वॉल्यूम इज मेंटेन्ड बाय। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेच रिसेप्टर्स और स्पिंडल्स, मसल स्पिंडल एंड इंटरकोस्टल मसल इज दे मेंटेन टाइडल वॉल्यूम इन द केस ऑफ डिक्रीज कंप्लायंस व्हिच इज इन रेस्पिरेटरी लंग डिसऑर्डर। अब जैसे कल तुम्हारे सीनियर्स में क्वेश्चन आया, किसी ने देखा पेपर? नहीं यार, क्या करना है अभी से ये सब थोड़ी करना है, यू शुड बी अवेयर, शुड बी अवेयर, क्योंकि हिल उनको उनको बात नहीं हुई किसी की तुम्हारी, हिल गए वो लोग तो, फेल हो रहे हैं आधे से ज्यादा, पढ़ते ही नहीं है, क्या करें। तो इस तरह की लैंग्वेज आ सकती है कहीं पे, उनका क्या हुआ है क्वेश्चन, उनमें बात करिएगा,
किसी लड़की को बैठी है, क्या बता रही है उसको, क्या बता रही है मुझे, ये बोल रही है ना मुझे कुछ धीरे धीरे, ये तो मैंने देखा, मैं क्या गलत बोल रहा हूँ क्या? अच्छा दे रहे हैं? नहीं अभी क्या है कि जो तुमने अभी तक पढ़ा है ना वो उसका पेपर ही नहीं था एक्चुअली, अभी जो पेपर था वो सीएनएस और जो एंडोक्राइन का था पहला पेपर, जो पार्ट तुम्हारा अब होगा, और जो आज पेपर है वो कहीं तुम रिलेवेंट उसको अपने से कनेक्ट कर सकते हो, उसके क्वेश्चंस तुम अगर कोई पढ़ रहा है तो समझ सकता है, जो नहीं पढ़ रहा है वो तो क्या ही समझेगा, और जो थोड़ा बहुत पढ़ रहा है ध्यान दे रहा है वो समझ सकता है, वो पेपर आज है तो नहीं कल है, तो कल है जो ये आपका सीबीएस आरएस और ये सब आते हैं ना वो कल वाले पेपर में आएगा, आज जो कल पेपर था वो सीएनएस का था, सीएनएस है ना एंडोक्राइन रिप्रोडक्टिव एंड मिसलिनियस पार्ट, तो उसमें हुआ क्या कि उन्होंने जो लैंग्वेज करी है, उन्होंने लैंग्वेज जो फ्रेम करी है वो थोड़ा ट्रिकी बना दी चीजों को, थोड़ा सफोस्टिकेटेड लैंग्वेज में पूछा गया तुम तो जानते ही हो कि यहाँ कोई उतना पढ़ता नहीं है, तो बेचारे वो सबके सब गूगली में बोल्ड हो गए। अब उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा जो कि मेरे को याद है, मैं बता देता हूँ, द रोल ऑफ सेरिबलम इन सर्वो बॉडी सर्वो मैकेनिज्म, व्हाट इज सर्वो मैकेनिज्म, मूवमेंट, सीधी बात है, तो वर्ड ही नहीं समझ आएगा तो आंसर क्या लिखूंगा, और ऐसा नहीं है कि सर्वो मैकेनिज्म आपकी बुक के अंदर लिखा नहीं है, सर्वो मैकेनिज्म लिखा हुआ है बुक के अंदर, मेंशनड है, तो इस तरह की लैंग्वेज फ्रेम करी और सबने हल्ला मचा लिया कि मैं बहुत हार्ड, ठीक है ना, तो ये चीजें इस तरह से घुमा के आ सकती है, यहाँ पे कंप्लायंस आ सकता है, आपको कंप्लायंस से रिलेटेड क्वेश्चन डाल दे कोई कि कौन मेंटेन करता है टाइडल वॉल्यूम ड्यूरिंग द रिड्यूस कंप्लायंस, तो थोड़ा यू हैव टू बी अटेंटिव, केमिकल रेगुलेशन, केमिकल रेगुलेशन में अपना रेगुलेटर्स आर पार्शियल प्रेशर ऑफ सीओ टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ओ टू, ये सीओ टू एंड ऑक्सीजन जो है ये मेंटेन करते हैं जो, और हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, मैंने आपको पहले ही बताया था ये तीन चीजें हैं जो कि आपका मेंटेन करती हैं केमिकल रेगुलेशन को। अब केमिकल रेगुलेशन में आपके कई सारे सेंसर्स आते हैं जैसे कि पेरिफेरल एंड सेंट्रल, तो पेरिफेरल जो है वो मोस्टली ऑक्सीजन की सेंसिटिविटी लेता है, और जो सेंट्रल है वो आपका बेसिकली सीओ टू एंड एच प्लस की कंसेंट्रेशन को मेनली चेंज करता है। तो आप बात करा था अपन ने लास्ट टाइम, मैंने आपको बताया भी था कि सेंट्रल कीमो रिसेप्टर जोन होता है, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर जोन होता है जो कि आपका लोकेटेड कहाँ पे होता है, इन द वेंट्रिकुलर एरिया, थर्ड वेंट्रिकल के आसपास, तो वहां तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, सीओ टू विल डिफ्यूज एंड कन्वर्ट इंटू एच टू सीओ थ्री एंड रिलीज एच प्लस एंड देन एच प्लस कंसेंट्रेशन विल इंक्रीज इन सीएसएस, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर है, क्या है, ब्लड ब्रेन बैरियर, वो हर चीज को अलाउ नहीं करता अंदर, तो ब्लड ब्रेन बैरियर के प्रेजेंस के कारण से वी कैन सेंड सीओ टू बट नॉट एच प्लस इन साइड द ब्रेन, तो एच सीओ टू विल डिफ्यूज इट विल फॉर्म एच टू सीओ थ्री एच प्लस विल ब्रेक एंड देन एच प्लस विल एक्यूमुलेट इन सीएसएफ एंड स्टिमुलेट द सेंट्रल कीमो रिसेप्टर जोन टू इंड्यूस द रेस्पिरेशन। इसी तरह से ओ टू की कंसेंट्रेशन जो है वो दो तरह के रिसेप्टर, पेरिफेरल रिसेप्टर कीमो सेंट्रल के, कैरोटिड बॉडी एंड एओर्टिक बॉडी, ये दो तरह की बॉडीज होती है जो कि लोकेटेड होती है एट द बाइफर्केशन ऑफ एओर्टा एंड बाइफर्केशन ऑफ कैरोटिड आर्टरी, एओर्टिक बॉडी इज लोकेटेड एट द बाइफर्केशन ऑफ एओर्टा एंड कैरोटिड बॉडी इज लोकेटेड एट बाइफर्केशन ऑफ कैरोटिड आर्टरी, मतलब कैरोटिड आर्टरी ऊपर जाके इंटरनल कैरोटिड एंड एक्सटर्नल कैरोटिड में टूटती है, और एओर्टा जो होती है वो आर्च ऑफ एओर्टा बनाती है, तो आर्च ऑफ एओर्टा में लोकेटेड होते हैं एओर्टिक बॉडी। अब ये इनकी लोकेशन बड़ी बड़ी स्ट्रेटेजिक है, बिकॉज जितना भी ब्लड आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगा वो एओर्टा से होता हुआ जाएगा, सो जितना भी ब्लड निकल रहा है वो सीधा पहले कहाँ जाएगा, एओर्टिक बॉडी के पास में, देन इट इज गोइंग टू द ब्रेन, इट विल गो टू द कैरोटिड आर्टरी एंड कैरोटिड बॉडी, तो इनके पास में 2 लीटर ब्लड पर 100 ml के हिसाब से पहुंच, तो दे आर वेरी वेरी वेल वैस्कुलराइज, पूरा ऑक्सीजन का जितना भी कंसेंट्रेशन होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दे सेंड,
दे डोंट सेंस टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड बट दे सेंस द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. तो वो यहाँ पे इनको बड़ा जल्दी पता चल जाएगा. और इसके रिसेप्टर होते हैं, उनका नाम होता है ग्लोमस सेल्स और टाइप 1 सेल्स. सप्लाई बाय अनमाइलिनेटेड नर्व एंडिंग 7 डोपामिन रिसेप्टर व्हिच इज नोन एज D2 रिसेप्टर. ड्यूरिंग हाइपोक्सिया रिलीज कैटेकोलामाइन व्हिच स्टिमुलेट द D2 रिसेप्टर. जैसे ही पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होगा, ये जो सेंसर्स हैं ये अपना कैटेकोलामाइन रिलीज करने लगेंगे और D2 रिसेप्टर स्टिमुलेट होने लगेंगे. And they will send the signals to the respiratory center. Then, ये तो type 1 cell हो गए, glomus cells. Then there are type 2 cells, which are known as glial cells, जो कि closely related रहते हैं to type 1 cells. Afferent from the receptors are carried by the Herring's nerve, which is also known as sinus nerve, a branch of 9th cranial nerve. तो 10th nerve आ रही थी पहले हमारे lung से stretch reflex ले जाने में, अभी हमारे आ रही है 9th cranial nerve, जिसको हम ब्रांच का नाम है Herring's nerve और sinus nerve, जो कि हमारे sinus bodies से signals को लेके जा रही है. Carotid aortic body highest flow 2000 ml per 100 gram per minute. Sensitivity to change in partial pressure do not mention the total pressure. Now peripheral chemo receptor respond to lowered PO2, increased PCO2, increased H plus concentration. Stimulation lead to increased activity of DRG neurons and increased rate and depth of breathing. तो जैसे ही स्टिमुलेट होंगे DRG को स्टिमुलेट करना चालू करेंगे, जो कि हमारा डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन है, जहाँ पे हमारे बेसिकली इंस्पिरेटरी जो रिदम है वो जनरेट हो रही है. पेस मेकर जिसको हम बोल रहे थे, कल हमने बात करी थी पेस मेकर से रिलेटेड, तो दैट पार्ट विल बी स्टिमुलेटेड एंड इट विल जनरेट द रिदम. So they are the site to detect the partial pressure of oxygen. And carotid body जो है वो more sensitive than the aortic bodies. Carotid body stimulation increase both the. अब ये एक चीज है, ये दो तीन जो fact है वो आपको याद रखते हैं. Basically इसका इसको कुछ कर नहीं सकते अपन change, और ये कोई logic पे depend नहीं है अभी कि ये किस कारण से हो रहा है, क्योंकि इसका कारण अभी पता नहीं है. But carotid bodies are more sensitive than the aortic bodies and carotid body stimulation increases the rate and depth of the breathing, but aortic body stimulation causes more an increase in rate rather than the depth of the breathing. ये आपको फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखने ध्यान क्या रखने इनको रखना है, क्या पता होना चाहिए, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, MCQ में आ सकते हैं, और क्वेश्चन बनते हैं कई बार वाई वाई ऐसा क्यों हो रहा है. तो इस कंडीशन में यू हैव टू रिमेम्बर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैरोटिक बॉडी एंड aortic बॉडी. कैरोटिक बॉडी मोर सेंसिटिव और कैरोटिड बॉडी विल बी स्टिमुलेटिंग बोथ रेट एंड डेप्थ. पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर PCO2 एंड एच प्लस कंसेंट्रेशन को ज्यादा सेंसिटिव नहीं होते, इससे इनकी जो सेंसिटिविटी है वो हाईएस्ट है सेंट्रल कीमोरिसेप्टर जोन के पास. और जो पेरिफेरल रिसेप्टर है वो ज्यादा कंसर्न होते हैं PO2 के रिलेटेड, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन से. अगर आप कैरोटिड कीमो रिसेप्टर का डीनर्वेशन कर देते हो तो इट विल प्रोड्यूस 40% डिक्रीज इन रिस्पॉन्स टू हाइपरकैप्निया एंड नियरली कंप्लीट अबोल्यूशन ऑफ रिस्पॉन्स टू हाइपोक्सिया. तो इससे आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे आपने जो ये डीनर्वेशन किया कीमो रिसेप्टर का, उससे साफ दिख रहा है कि ये ऑक्सीजन के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए टोटली नहीं बट 40% सेंसिटिव है. बाकी जो 60% सेंसिटिविटी है वो शायद कीमो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर जोन के पास है. बट अगर इनको आपने काट दिया तो ऑक्सीजन की जो लेवल चेंज हो रही है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के कारण से जो हाइपोक्सिया प्रोड्यूस हो रहा है वो आपको पता नहीं चलेगा, उसकी सेंसिटिविटी आप लॉस कर दो. तो PO2 की कंसेंट्रेशन का जो सेंसर है वो सिर्फ इन दो चीजों के पास है, उसका सेंट्रल कीमो रिसेप्टर जोन से बेसिकली कोई मतलब नहीं. तो कीमो रिसेप्टर में हमारे पास दो तरह के रिसेप्टर है, वन इज पेरिफेरल अनदर इज सेंट्रल. पेरिफेरल के दो पार्ट है फिर, कैरोटिड एंड aortic बॉडी.
उनके बीच में डिफरेंस है वो अपन ने पढ़ लिया. नाउ वी नो दैट दे आर मोर सेंसिटिव टू ऑक्सीजन प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रादर देन द CO2 एंड H+. एंड वी कैन डेमोन्स्ट्रेट इट विद दिस एक्सपेरिमेंट बाय शोइंग दैट इफ यू कट और डीनर्वेट कैरोटिड बॉडी, CO2 की जो सेंसिटिविटी है वो 40% डिक्रीज हो जाएगी एंड हाइपोक्सिया के लिए हम लोग टोटली इनसेंसिटिव हो जाएंगे. मतलब हाइपोक्सिया मतलब चेंज इन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन. अब इसका जो मैकेनिज्म होता है बेसिकली ये K+ चैनल्स जो होते हैं उसके थ्रू एक्ट करता है. ठीक है, दिस इज लास्ट पोर्शन, इसके बाद नहीं पढ़ेंगे कुछ भी. ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट, मे बी नॉट गिवन इन योर बुक, प्लीज राइट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन, या फिर आप एक मिनट सुन लो, मैं अटेंडेंस लूंगा तब आप लिख सकते हो. सो मैकेनिज्म ऑफ स्टिमुलेशन, यहाँ पे क्या होता है, हाइपोक्सिया होने के कारण से डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ O2 सेंसिटिविटी जिस जो रहती है पोटेशियम चैनल के पास. तो ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटेशियम चैनल से उनका जो फंक्शन है वो डिक्रीज जाएगा. तो इसके कारण से, और ये कहाँ रहेंगे, हमने क्या पढ़ा था पहले, सेल्स का नाम क्या पढ़ा था, ग्लोमस सेल्स, ग्लोमस सेल्स टाइप वन सेल्स, टाइप टू सेल्स आर ग्लियल सेल्स. ग्लियल सेल्स बेसिकली स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो जिसके अंदर ग्लोमस सेल्स इम्बेडेड रहेंगे, तो जो फंक्शन है वो ग्लोमस सेल ही कर रहे हैं, और वो जो ग्लियल सेल्स है वो उसको सपोर्ट दे रहे हैं, स्ट्रक्चरल है वो, नॉट द फंक्शनल. देन डिक्रीज इन के प्लस इफ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू लेवल ऑफ हाइपोक्सिया. कितना डिक्रीज हो रहा है के प्लस इफ्लक्स, उससे हमें पता लगेगा कि भाई हाइपोक्सिया कितना ज्यादा है. डीपोलराइजेशन ऑफ ग्लोमस सेल्स प्रोपोर्शनल टू फॉल इन आर्टेरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. इसके कारण से ओपनिंग ऑफ एल टाइप कैल्शियम चैनल एंड इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम इन द ग्लोमस सेल्स, रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर बाय द ग्लोमस सेल्स स्टिमुलेट द एफरेंट नर्व एंडिंग्स इन द साइनस. तो कैल्शियम का मैंने आपको बहुत आपको बताया था, आई डोंट रिमेम्बर, बट कैल्शियम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, विच इज नोन एज डी ग्रेनुलेशन. अपन ने, हाँ मैंने आपको बताया था एनएमजी की बात कर रहे थे हम एक बार, तो हमने ये मैंने आपको बताया था कि जो कैल्शियम अंदर ज्यादा वोल्टेज गेटेड और उस गेटेड चैनल की बात कर रहे थे, तो कैल्शियम चैनल्स आर वोल्टेज गेटेड. तो जब कैल्शियम को जब एक्शन पोटेंशियल रिसीव होता है तो वो वोल्टेज के कारण रिसीव होता है, उससे कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं. देन कैल्शियम चैनल गोज इनसाइड द, यहाँ की बात कर लो या सैनेप्टिक क्लेफ्ट की बात कर लो या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की बात कर लो, अंदर जाते हैं, अंदर जाके क्या करते हैं, वो जो जिसमें एस्टाइल कोलिन स्टोर था या फिर यहाँ पे दूसरा है न्यूरो ट्रांसमीटर जो कि कैटाकोलामाइंस है वो स्टोर्ड है, तो वो उस वेसिकल को डीग्रेनुलेट करता है, मतलब कि उसको तोड़ने में मदद करता है, नहीं तो वो जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं वो अंदर ही पड़े रहेंगे वेसिकल के अंदर, उनको कैसे पता चलेगा कब रिलीज होना. तो ये कैल्शियम सिग्नल लेके जाता है, तो यहाँ पे भी वही काम कर रहा है कैल्शियम, इन्फेक्टिंग अफेक्टिंग ट्रैफिक स्टिमुलेशन पार्शियल प्रेशर वर्सेज O2 प्रेशर. हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू में भी आ सकता है, ये जो स्टिमुलेट होते हैं बिलो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऑफ 60 mm Hg तक ये कुछ नहीं साइलेंट रहते हैं, क्योंकि वहां तक आपका जो ऑक्सीजनेशन है वो मेंटेन रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती बॉडी के अंदर. सेचुरेशन अगर आप देखो 60, अपन ने देखा था ऑक्सीजन डिसोसिएशन का, 60 तक हमारा सेचुरेशन 90 के आसपास रहता है, तो वी डोंट हैव एनी हाइपोक्सिया बेसिकली. बट उसके नीचे जब जाएगा तो स्टार्ट डेवलपिंग प्रॉब्लम, तो उसके नीचे ही स्टिमुलेट होगा.